हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास बीएससी की मैथमेटिक्स। और बुक पढ़ रहे हैं हम रियल एनालिसिस, तो वीडियो नंबर 9 पढ़ रहे हैं आज हम। इससे पहले की वीडियो सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए थ्योरम पढ़ते हैं हम फटाफट। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बहुत अच्छी थ्योरम है, समझने वाली थ्योरम है। तो क्या है थ्योरम? ऑन द रियल लाइन, रियल लाइन में आर, फॉर ईच पॉइंट ऑफ एक्स जीरो बिलोंग टू आर, द एंड ईच पेयर ऑफ एम एन ऑफ नेबरहुड ऑफ एक्स जीरो, देन एम इंटरसेक्शन एम इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ एक्स जीरो। मतलब उसने क्या कहा, पहले चीजें समझ लेंगे। मान लिया हमने कोई रियल लाइन में कोई बिंदु है एक्स जीरो, और किसी एक्स जीरो के दो नेबरहुड है। अब एक मान लिया ये नेबरहुड है, एक ये एम नेबरहुड है और एक एन। हमें नहीं पता कौन अंदर है कौन बाहर है, कोई भी हो सकता है। तो ये एम है और ये पूरा एन है। तो अगर ये दो नेबरहुड है तो उसने बोला एम इंटरसेक्शन एम, एम इंटरसेक्शन एन, मतलब इनका कॉमन हिस्सा जो बनेगा। अब देखो कॉमन कौन बनेगा, अगर एम छोटा है तो कॉमन एम बनेगा, अगर एन छोटा होता तो कॉमन एन बनेगा, कोई भी बनेगा। तो बोला कॉमन हिस्सा भी नेबरहुड होगा, कॉमन हिस्सा भी नेबरहुड होगा बिंदु का। बहुत सिंपल सी बात है, ये बतानी है। तो देखो क्या करेंगे, तो सिंपल सा है, इसको कैसे करेंगे। देखो इफ एम और एन आर टू नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स जीरो, मान लिया एम और एन दो नेबरहुड है एक्स जीरो के, ठीक। देन देयर स्मॉल पॉजिटिव एप्साइलन वन एप्साइलन टू। अब यहां दो लिए, पहले तक हम एप्साइलन रहते थे, यहां दो इस वजह से लिए क्योंकि यहां पे दो नेबरहुड है, ठीक। तो एप्साइलन वन एंड एप्साइलन टू इज ग्रेटर देन जीरो, सच दैट, देखो एक्स जीरो, ध्यान से देखना मैंने दो ये फिगर बनाए हैं, एक्स जीरो ये रहा बिंदु एक्स जीरो, इसमें एप्साइलन वन एक्स जीरो प्लस एप्साइलन वन एक्स जीरो माइनस एप्साइलन वन, ये दूरी एप्साइलन वन ओपन इंटरवल बनाया, वो एन में बिलोंग कर रहा है क्योंकि एन इज अ नेबरहुड बोल रखा है, ठीक। इसी तरीके से m भी नेबरहुड है, तो मैंने एक दूरी m के लिए भी मान ली, अब साइलेंट टू बोला क्या, x0 जीरो प्लस अब साइलेंट टू और x0 जीरो माइनस अब साइलेंट टू। अब मुझे नहीं पता था अब साइलेंट वन और अब साइलेंट टू में छोटा क्या है, तो मैं यहां पर दूसरा फिगर भी बना सकता था कि x0 जीरो प्लस अब साइलेंट टू, x0 जीरो प्लस वो माइनस अब साइलेंट टू, x0 जीरो प्लस अब साइलेंट बाई वन माइनस अब साइलेंट वन, ठीक। तो देखो ये था, अब चाहे जो भी हो कॉमन कौन आएगा, छोटा वाला आएगा। तो मैंने बोला हमें कॉमन क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि उसने बोला m और n दो नेबरहुड हैं एक्स जीरो के, तो इंटरसेक्शन करके जो सेट बनेगा वो भी नेबरहुड होगा एक्स जीरो का, ये पूछा। तो देखो इंटरसेक्शन के लिए मैंने इन दोनों दूरी का जो भी, अगर एक्स एक्स एप्साइलन वन छोटा है तो दोनों का कॉमन एप्साइलन वन आएगा, अगर एप्साइलन टू छोटा है तो दोनों का कॉमन वो आएगा, जो भी हो कॉमन आएगा। तो मैंने मान लिया दोनों में से एप्साइलन वन एप्साइलन टू में से जो भी मिनिमम होगा वो ये मान लिया, ये नाम दे दिया उसको जो भी आंसर आएगा। तो नाउ बिकम इक्वेशन वन क्या हो जाएगी, दोनों एप्साइलन वन एप्साइलन टू की जगह मैं मिनिमम यूज कर रहा हूं, तो एक्स जीरो बिलोंग्स टू एक्स जीरो माइनस एप्साइलन, एक्स जीरो प्लस एप्साइलन, वन और टू की जगह मैं एप्साइलन यूज कर रहा हूं जो भी मिनिमम होगा, ठीक। सिमिलरली समीकरण दो, एक्स जीरो बिलोंग करता है एक्स जीरो, एप्साइलन टू की जगह एप्साइलन, एप्साइलन टू की जगह एप्साइलन। तो देखो यहां से मैंने क्या देख लिया, एक्स जीरो इसके अंदर है और ये एन के अंदर है, एक्स जीरो इसके अंदर है और ये एम के अंदर है। तो आप देख नहीं रहे, जो चीज एन के अंदर है वही सारी चीज एम के अंदर है। तो मैं बोलूं जब दोनों में सेम चीज है तो एक्स जीरो बिलोंग करता है इसमें और ये एन और एम दोनों में है, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में है, ये ओपन इंटरवल जिसके अनगिनत एलिमेंट एन के अंदर भी है वही अनगिनत एम में भी है। तो मैं बोलूंगा एक्स जीरो इसमें बिलोंग करता है और ये पूरा किसमें बिलोंग करता है, दोनों के इंटरसेक्शन में, कॉमन में तो करेगा ही करेगा।
तो देखो अब जब बिंदु किसी ओपन इंटरवल में और कोई ओपन इंटरवल किसी सेट में होता है तो उस सेट को नेबरहुड बोलते हैं उस बिंदु का। ठीक है, इम्पोर्टेंट बेटा यहाँ पर यह है कि ये सारा का सारा n में है, यही सारा m में है, तो ये जो चीज एक में है वही चीज दूसरे में है, तो दोनों के कॉमन को अगर करेंगे तो यही तो कॉमन आएगा इंटरसेक्शन। ठीक, बहुत सिंपल सी थ्योरम थी कि दो नेबरहुड से डेफिनेशन बनाई, दोनों में से मिनिमम जो होगा उसको उसमें रूप में बदला और ये आ गया। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी है रियल एनालिसिस, आई होप आपको समझ में आए हो। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जितने भी आपके बैचमेट है, जूनियर है, सीनियर है, वो आप जाकर उनको शेयर कीजिए, क्योंकि और वीडियोस भी हमारी कंटिन्यूअसली डलते रहेगी। ठीक है, और कॉन्टेक्ट नीचे दिखा है, आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे सभी तरीके के बीएससी एमएससी के बैचेस और रेगुलरली चल रहे हैं। तो ठीक है, तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।